आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत अभिनंदन और होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आप सब जानते हैं कि आज आपके बीच झारखंड सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, आप सबके बीच आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखेंगे। मैं मंच पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ मंच पर हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश कुमार सिंह जी भी उपस्थित, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं कुछ वीडियो क्लिपिंग दिखाने के लिए मैं सोशल मीडिया के प्रदेश के प्रभारी श्री राहुल अवस्थी जी से आग्रह करता हूं कि पहले आप सबके बीच में वो रखें, तत्पश्चात बात की जाएगी आगे। हेलो, चलिए हो गया राहुल जी। तो देखा आपने, अब मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में अपनी बात आप सबके बीच में रखें, श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, साउंड सबसे पहले तो होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई है। अभी आप सब लोगों ने थोड़ा सा क्लिप देखा और राहुल जी से और पाठक जी से हम कहेंगे कि आप सब लोगों को मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत से छोटा सा है लेकिन घटना बहुत बड़ी है। और आप सब लोगों ने तस्वीर में भी देखे होंगे तो उससे भी आप सब लोग पहचान लिए होंगे वो कौन थे, क्योंकि तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, जिनके पास गृह भी है, कारा भी है, आपदा प्रबंधन विभाग भी है, उन्हें उन सारे विभागों के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ साथ इन सारे विभागों के भी वो प्रधान सचिव है। उनका नाम है श्री राजीव अरुण एक्का। उनके
काले कारनामे और महालूट का एक छोटा सा वीडियो, एक क्लिप था, आपके संज्ञान में लाया गया। यह वीडियो देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि भाई झारखंड में सरकार कैसे चल रही है और सरकार को कौन लोग चला रहे हैं, ये बिल्कुल इससे स्पष्ट है। और ये जो कहाँ का वीडियो है, कहाँ से, तो पिछले दिनों आप सब लोगों के चर्चा में बहुत था जब ईडी ने छापा मारा था राज्य के एक मशहूर जो दलाल थे विशाल चौधरी, जहाँ अरगोड़ा के निकट में ही उनका आवास है, उस कार्यालय का ये वीडियो है। मैंने कोई सीएमओ में बना है या राजीव अरुण एक्का के कोई ऑफिस में बना है, ऐसा नहीं है कि उनके विशाल चौधरी के जो ऑफिस है, यानी आप समझ सकते हो एक दलाल के ऑफिस में किस प्रकार से सरकारी काम चल रहा है, वो आप सब लोगों ने उसमें देखे होंगे। यानी फाइल को जिसको क्या कह सकते हैं, माने बेशर्मी का भी कोई सीमा होती है, उस सीमा को भी बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। नहीं, उसको कह सकते हैं कि भाई उसको देख करके हेमंत सोरेन जी को शर्म आवे या ना आवे, लेकिन कोई भी झारखंड वासी या देश के भी लोग इसको देख करके, मैंने कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कि वे ऐसे भी झारखंड में काम हो रहा है। और आप सब ने देखा कि राजीव अरुण एक्का के बगल में एक महिला खड़े है, एक लड़की खड़ी है, कोई सरकारी कर्मचारी वो नहीं है, विशाल चौधरी के कोई स्टाफ है, उन्हें उनके प्राइवेट कर्मचारी है। वो किस प्रकार से फाइल को दिखा रही है, फिर बगल से भी जो आवाज़ आ रहा था, उन्हें जो पूछ रहे हैं कि वो आवाज़ के बारे में जो हमें पता चला कि वो आवाज़ विशाल चौधरी की है, और वो महिला से पूछा जा रहा है कि भाई इस फाइल का पैसा आया है कि नहीं आया है, तो आप सब लोगों ने सुनाई है, फिर आप सबको भेज दिया जाएगा, तो आप सब लोग उसको सुन भी लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि पैसे के बारे में पूछताछ हो रही है। यानी मुख्यमंत्री के ये जो प्रधान सचिव है, राज्य के गृह सचिव जैसे पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है और वहां काम कर रहा है, तो आप सोच सकते हो जब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और राज्य में जो महत्वपूर्ण विभाग गृह विभाग को माना जाता है, उसके सचिव अगर इस प्रकार से काम कर रहे हैं और वो सब कुछ दिख रहा है, तो आप सोच सकते हो और दूसरे जो विभागों में इस प्रकार के कारनामे कहाँ कितना होता होगा, उसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्हें हम ये कह सकते हैं कि एका और विशाल चौधरी इस प्रकार के काम में अकेले नहीं होंगे, ऐसे अनेक दलाल और भ्रष्ट अफसर और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग मिल बैठ करके टेंडर ट्रांसफर की फाइल को किस प्रकार से लोग निपटाते हैं बैठ करके, उसका एक छोटा सा ये बनगी है। अगर इन सारी चीज़ों की निष्पक्ष रूप से जांच हुई, जहां सरकार के मुखिया और उनके गुर्गों के कारनामे, तो हमें लगता है कि हैरान करने वाली सामने आएगी लोगों के समझ या अपने आप में, कोई भी देखे तो फिर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप सबने पिछले दिनों भी देखा था कि भाई मुख्यमंत्री के घर में जो, यानी मुख्यमंत्री के सुरक्षा में जो सुरक्षा लगे हुए थे सुरक्षा कर्मी, उनका भी AK-47, दो दो AK-47 उनके जो दलाल प्रेम प्रकाश के घर में मिलता है, और उनके प्रधान सचिव अनेक दलाल विशाल चौधरी के प्राइवेट कार्यालय में
फाइलों का निपटारा करते हैं, टेंडर की फाइलों का निपटारा करते हैं, पैसा की वसूली करते हैं, वहीं से मुख्यमंत्री का कार्यालय का काम करते हैं, आप जरा सोचिए कि क्या हालत है इस बात। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, क्योंकि विषय ये बड़ा गंभीर है। राजीव अरुण एक्का ने ये छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा ही अपराध किया है। ये गृह विभाग के सचिव है, राज उग्रवाद से भी प्रभावित है, जेल में कई एक कुख्यात अपराधियों जेल में बंद है, और कारा के भी ये सचिव है। आप सोच सकते हो क्या कैसे चल रहा होगा। आज जो पूरा प्रदेश में देख रहे हैं कानून व्यवस्था किस प्रकार से बिगड़ी हुई है, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही है, जेलों से भी जो एक्सटॉर्शन हो रहा है, तो इनके जैसा व्यक्ति अगर ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर ये बने रहेंगे तब तो इस राज्य को और यहाँ की जनता को मैं समझता हूँ कि शायद बचना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जेलों में कई बड़े बड़े खूंखार अपराधी, आतंकवादी, उग्रवादी भी ऐसे जेल में बंद रहते हैं, तो फिर ऐसे अफसर अगर महत्वपूर्ण पदों पर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गृह विभाग के, कारा विभाग के, आपदा प्रबंधन के, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य को तो भगवान ही बचाएगा। और इसलिए हम ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, एक तो तुरंत अरुण, क्या बोलते हैं, राजीव अरुण एक्का को उस पद से हटाते हुए उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, क्योंकि गृह विभाग बिल्कुल संवेदनशील विभाग है और उसमें कारा भी जुड़ा हुआ साथ में प्रधान सचिव, क्योंकि इससे राज्य की पुलिस तो इससे जांच कहीं हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते जहां पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हो। तो आप मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप इन मामलों को जांच के लिए आप सीबीआई को बिना विलंब किए रेफर करना चाहिए, आदेश देनी चाहिए जांच की, ताकि सीबीआई जांच कर सके पूरे मामले को। और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ये सीडी के साथ जो वीडियो भी है इसके साथ महामहिम राज्यपाल से मिलकर के हम लोग अनुरोध करेंगे, क्योंकि इसका विस्तृत और निष्पक्ष जांच हो, और वो भी सरकार से अनुरोध करे कि मामले की सीबीआई से जांच हो। और उसके साथ साथ चूँकि इस वक्त ईडी भी जांच कर रही है और विशाल चौधरी क्या उन्होंने भी छापा मारा है, और ईडी से भी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल इस वीडियो के साथ जाकर के मिल करके उनको भी हम लोग सौंपेंगे, और ताकि इस मामले को और वो लोग जांच कर सके ठीक से। क्योंकि मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे, आप देखें कि प्रेम प्रकाश के घर में मिलता है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो होम डिपार्टमेंट का जो फाइल है वो दलाल विशाल चौधरी के घर में, घर से मैंने वहाँ साइन होता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि 47 में भी कार्रवाई नहीं हुई है, मेरी जानकारी में मुख्यमंत्री की ओर से जो सुरक्षा कर्मी थे और सुरक्षा पदाधिकारी थे, भाई किन कारणों से कैसे उनके यहाँ 47 दो चला गया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री अगर वो खुद कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनसे जो ऊपर की एजेंसी है वो तो कार्रवाई
करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जो बार बार कहते हैं कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं इसलिए हमको परेशान किया जाता है। अगर ये गड़बड़ी की खुद जांच नहीं करेंगे, खुद कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ऊपर की एजेंसी तो इनकी कार्रवाई होगी। और हमें लगता है कि फिर मुख्यमंत्री को जेल जाने से कोई उनको बचा नहीं सकता है। फिर उस वक्त जैसे इस समय जो फाइल वगैरह कहाँ विशाल चौधरी के यहाँ गया, तो भाई आप समझ सकते हो बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको बीजेपी वाले फंसाते हैं, तो कम से कम ये सारे फाइल को कोई हम लोग दलाल के यहाँ तो नहीं पहुँचाए हैं उनको ये करके, तो ये बिल्कुल अस्पष्ट है। और साथ ही मैं मुख्य सचिव से भी कहूँगा कि भाई मुख्य सचिव राज्य के एक अच्छे अफसर माने जाते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि पद प्रशासनिक पदाधिकारियों के वो प्रमुख होते हैं, तो कम से कम वो धृष्ट राष्ट्र तो वो नहीं बने। और ये जो मामला गंभीर है इस पर कठिन कार्रवाई के लिए तुरंत प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री को भेजे उसकी कार्रवाई के लिए, नहीं तो ऐसे कितने दिनों तक कई सब चीज़ को रोक पाएंगे। और कागज़ तो मरता नहीं है, आज नहीं तो कल सब कुछ सामने आ जाएगी। और हम स्मरण दिलाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को कि बिहार में जब लालू की सरकार होती थी तो उन्होंने भी ऐसे ही कार्रवाई पदाधिकारियों के ऊपर नहीं करते थे, फाइल उल ऐसे ही वो इधर से उधर रख दिया करते थे, और उसका जो परिणाम है आज तक लालू यादव ही नहीं बल्कि पूरा परिवार भुगत रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। देख करके कभी कभी कष्ट होता है कैसे सत्ता के नशे में लोग भूल जाते हैं कि भाई हम एक वैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और वहाँ नियम कानून और प्रोसेस से सारे काम होते हैं लोकतंत्र में, और सत्ता किसी एक की जागीर नहीं होती है। तो हम कहेंगे कि जिस प्रकार से कम उससे तो सीख लेनी चाहिए हेमंत सोरेन जी को, कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आखिरी में कहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार आदिवासी होने का वो दुहाई देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आज के तारीख में जब इस प्रकार की कुकर्म लगातार उजागर हो रहे हैं, चाहे वो पूजा सिंघल का हो, चाहे क्या बोलते हैं कौन राम अभी आए थे, लेकिन केस करने की कोई इजाजत ही नहीं देते हैं, तो आप मैंने मैं कहूंगा कि भाई ये आदिवासियों के लिए भी कलंक है हेमंत सोरेन जी, कि भाई आखिर इस अपराधियों को बचाने में क्यों लगे हुए हैं अगर वो अपराध में खुद शामिल नहीं है, तो अगर उस पाप में कुछ खुद भागीदार नहीं है तो फिर पापियों को बचाने में एड़ी चोटी का क्यों एक किए हुए हैं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। भाई उनको तो सीधा सीधा उन लोगों के ऊपर FIR करनी चाहिए, आदेश देनी चाहिए कार्रवाई करने की, जो पाप किया है तो उस पाप की सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। अगर ये ऐसा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ सीधा है कि भाई इनकी संलिप्तता और इनके जानकारी में सब कुछ हो रहा है या लूट हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने सारे विषय को आप सबके सामने रख दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो तो जब जांच होगी तब और पता चलेगा, हम कोई थोड़े जांच एजेंसी हम थोड़े हैं जांच एजेंसी, इसलिए तो हम जांच के भी कर रहे हैं ना, और इसलिए गवर्नर से भी मिलेंगे तो जांच के लिए ही मांग करेंगे।
हम बोले रहे हमने तो नहीं बनाया ने भाई, हमारे यहाँ तो ला करके लोग फेंक दिया था, तो हमें मिला, फिर मैंने देखा। अब अरे भाई वही तो मैं बता रहा हूँ कि जांच एजेंसी जांच करेगी ना। अगर हमारे यहाँ कोई आज भी अभी भी हम नीचे बैठे हुए थे, लोग आकर के हमको ढेर सारे पत्रक दिए कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा जुल्म हो रहा है, ठीक है, कोई डाक से लोग भेज देते हैं, कोई गुमनाम भी ला करके लोग पहुंचा देते हैं। हाँ भाई, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, जांच होगी, जांच के बाद ये पता चलेगा ना। अरे हमने कहा कि पहले का है पीछे का है, लेकिन जब जांच होगी उसके बाद नहीं ये सब चीजें की पता चलेगी भाई। हम कहाँ कह रहे हैं कि, हम तो कह रहे हैं कि अरुण उराव एक का है, फोटो सब दिख रहा है ना। नहीं, पहले तो राज्यपाल को हम लोग मिलेंगे, अब वो समय कब देंगे हम लोग मांग लेंगे उनसे समय, उसके बाद आपको पता बता दी जाएगी। हाँ इतना तो लोगों ने बताया जो हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो क्लिप आपने दिखाया है पेज का था, वो गृह कारा विभाग का शायद कोई लेकर है, वो क्या रिलेशन है उस वीडियो के साथ, वही फाइल साइन कर रहे? नहीं वो तो, अरे भाई मेरा कहना है जब फाइल होता कौन पेपर है क्या, नहीं नहीं इंक्वायरी नहीं, फाइल जब निपटाता है ना, कोई भी फाइल आता है ना भाई, उसी दौरान वो फोटो लिया गया। हाँ अब उसी दौरान ही लिया गया होगा फोटो ना, क्योंकि ये गृह कारा विभाग का वो जो था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो गिरी करा के वो सचिव है, ठीक है।